महाराजगंज जनपद के ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान हुई एक युवक की मौत के मामले में परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का केस दर्ज करने व पूरी घटना की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर बीते 7 दिनों से शव के साथ परिजन व ग्रामीण धरने पर बैठे थे। वहीं आज स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद युवक का अंतिम संस्कार किया गया। ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के सौराहा गांव स्थित पीपरी टोला निवासी मृत युवक के भाई और भाभी का आरोप था कि गांव के ही 3 लोगों ने मिलकर उसके भाई को बुरी तरह मारा पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। वहीं प्रशासन एवं स्थानीय विधायक द्वारा कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौके पर मौजूद SDM ने बताया कि परिजनों द्वारा की गई CBI जांच की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। शासन जो भी आर्थिक सहायता है वो पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। काम का एक 22 वर्षीय लड़का बबलू भारती 5 मार्च को उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में उनके परिवारजनों के द्वारा थाने में FIR की गई है और उसकी तफ्तीश जो है वर्तमान में पुरंदरपुर के इंस्पेक्टर के द्वारा की जा रही है। इन लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था कि स्थानीय पुलिस पर हमें विश्वास नहीं है, अगर जांच जो है CBI से कराई जाए तो वो मेरे द्वारा वो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया है। आज यहाँ पे वर्तमान विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी उपस्थित में सभी पक्षों को समझा बुझा करके शव दाह संस्कार के लिए भेजा गया है। और चूँकि अत्यंत गरीब परिवार है, अनुसूचित जाति का परिवार है, इनको जो भी आर्थिक सहायता शासन के द्वारा अनुमन्य है वह उसके लिए तत्काल उसके लिए पत्रावली तैयार करके कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।